नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमेठी सीट की। गांधी परिवार की घरेलू सीट मानी जाने वाली अमेठी सीट से 2019 में राहुल गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 5 साल के बाद वो फिर से वक्त आ गया है जब राहुल गांधी को लेकर अमेठी में एक बार फिर से चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्मृति ईरानी, जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार में मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यहां पर चुनौती दी है राहुल गांधी को कि यदि राहुल गांधी के अंदर दम है तो वो बिना सपा और बसपा के समर्थन से अमेठी सीट से चुनाव लड़कर के दिखाएं। यानी कि साफ तौर पर खबरें ये सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़वाना चाहती है। जिस तरीके से 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी, उसमें राहुल गांधी को केरल के वायनाड से सांसद के चुनाव में मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि यदि राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या फिर उनको अमेठी में यहाँ पर अपना जो घर तलाशने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद, क्या अमेठी सीट को कांग्रेस छोड़ना चाहती है? क्या अमेठी सीट पर कांग्रेस अपना दावा कमजोर करना चाहती है? जो परंपरागत सीट जहां पर पिछले 70 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीते आए हैं, क्या वो सीट कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से अपने हाथ से निकलने देना चाहती है? यानी कि चिंतन मंथन का दौर जारी है। और इस बीच सुबुगाट ये भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है, और ऐसे में जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं उनके आधार पर अमेठी सीट से कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा जो कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। पिछले दिनों हमने देखा था कि यहाँ जिस तरीके से स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची थी, उसके बाद कुछ महिलाओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बताया ये जा रहा है कि अमेठी से वरुण गांधी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में क्या वरुण गांधी की सीट पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी इस सीट की सैक्रिफाइस करती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस सीट को वरुण गांधी के लिए छोड़ती नजर आएगी? क्योंकि तमाम खबरों के मुताबिक जो घटनाक्रम घटित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना राजनीतिक समीकरण बैठा रही है, उसके मुताबिक वरुण गांधी की पीलीभीत सीट से टिकट भाजपा काट सकती है। ऐसे में वरुण गांधी अमेठी सीट से भी, जो कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में यदि अमेठी सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं तो वायनाड की सीट उनको छोड़नी पड़ सकती है। अब ऐसे में सियासी उठापटक जारी है और आगामी कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अमेठी का यहाँ पर चुनावी जो रण है उसमें कांग्रेस पार्टी किस अपने मंझे हुए खिलाड़ी को मैदान में उतारती है। फिलहाल आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।